दोस्तों, इसके पहले बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित दो तीन कुछ अपडेट थे जिनका वीडियो मैं बनाया था। होप आपने वो देखे होंगे। अगर वो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत सारे चेंजेस लगातार होते जा रहे हैं और इनका जो सर्कुलर आया है उसके हिसाब से मैं आपको वीडियो अपडेट बना के देता जा रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कियोस्क के संचालन में असुविधा ना हो। साथ ही अगर आप कियोस्क चला रहे हैं तो आप जानते होंगे कि कितनी मेहनत के बाद कियोस्क मिलता है, ब्रांच में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, अकाउंट जो आप ओपन करते हैं किस प्रकार से उनको प्रोसेस कराना पड़ता है, कितना दबाव रहता है। तो यदि आप कंटिन्यूटी में चाहते हो कि आपका कियोस्क चलता रहे, बहुत सारे लोग हो सकते हैं इस वीडियो के बाद कमेंट करेंगे कि सर इतना मगजमारी कौन करेगा, हमने तो अपना कियोस्क पॉइंट बंद कर दिया, इवन मैंने भी किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग इस टाइप के कमेंट करेंगे। आपका जो भी कमेंट है वो जायज़ होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। लेकिन चूंकि मेरा काम यहाँ पर यह है कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे से कर पाएँ, इतनी मेहनत से इतना पैसा लगा के आप लोगों ने जो कियोस्क पॉइंट लिया है उसका संचालन आप अच्छे से कर पाएँ, अपना आजीविका चला पाएँ, बहुत मेहनत का ये काम होता है। तो इसी सिलसिले में बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अपडेट था वो अपने बीसी जो है कियोस्क, जिनको जनरली हम लोग बोल देते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी बोलते हैं, इनका जो साइट है उसका वेरिफिकेशन, एक अलग प्रोसेस होती है जब हमारा कियोस्क खुल जाता है। और उसके बाद बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है कि कियोस्क खुल जाने के बाद बैंक की तरफ से, रीजन ऑफिस की तरफ से, या आप जिस कंपनी से लिए हैं वहाँ का बंदा कभी आपका आके विजिट ही नहीं करता है। और कई कियोस्क संचालक इसमें कुछ वित्तीय अनियमितताएं करते हैं, काम करने में कुछ अनियमितताएं करते हैं, और इसका कहीं से भी रिपोर्ट नहीं बनती है, ना इसकी कोई जांच होती है, लेकिन लगातार इसकी कंप्लेंट बैंकों के पास जाती हैं। और आप लोग जो भी गलतियां कर रहे हो, चाहे वो धोखे से कर रहे हो या जानबूझ के कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि बैंक को नहीं पता, लेकिन अभी तक हो सकता था वो इग्नोर कर रही थी। बहुत सारे लोग, इस वीडियो के आगे आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोग करते हो, और इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि अब वैसा नहीं हो पाएगा कि आप सोच लें कि हम कियोस्क चला लें, लोगों से अकाउंट ओपनिंग करें, उसका पैसा ले लें, विड्रॉल कर लें, ओवर चार्ज हम यहाँ पर कर लें, रजिस्टर हम मेंटेन नहीं करेंगे, डूज एंड नॉट डूज नहीं करेंगे। तो मैं ज़्यादा लंबा ना हो इस वीडियो, इसलिए मैं इसको दो तीन पार्ट में बना रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसमें जो आपका हर महीने विजिट होगा, इंस्पेक्टर वहाँ से आएगा, इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पर है जाँच अधिकारी, जो कि आपकी कंपनी का हो सकता है, बैंक का कर्मचारी हो सकता है, या फिर जो आपका आरओ ऑफिस से एक बीसी सुपरवाइजर अलॉट किया जाता है वो हो सकता है, रैंडमली कोई भी आएगा, इस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपके पास आएंगे। तो केवल ये वीडियो में हम इंस्पेक्टर का जो विजिट होगा, ब्रांच अधिकारी का विजिट होगा, उस पर हम बात करेंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें कैटेगरी आएगी, रिस्क क्राइटेरिया। यहाँ पर बीसी एजेंट को रिस्क क्राइटेरिया में रखा जाएगा, कौन सा बीसी कितना रिस्क में है इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, और उसमें किस प्रकार से आपको नंबर दिए जाएंगे और नंबर के आधार पर बैंक इसको डिसाइड करेगा। और यदि आपका नाम उस रिस्क मैनेजमेंट में सबसे टॉप पर आ रहा है, कम नंबर आपको मिल रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से बिना नोटिफिकेशन के आपका बीसी पॉइंट बंद कर दिया जाएगा, इसलिए वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि बैंक यहाँ पर ये चाह रहा है कि हमारे जितने भी कियोस्क आउटलेट हैं, जहाँ जहाँ भी कियोस्कों का संचालन हो रहा है, वहाँ पर प्रति माह एक निश्चित डेट पर विजिट हो। ये जो विजिट है वो लिंक ब्रांच भी करेगा, आपकी नॉन लिंक ब्रांच भी करेगा, और आपका बीसी सुपरवाइजर भी करेगा, और आपका जो नियरेस्ट आरओ है वहाँ का भी कर्मचारी करेगा। इन सब के लिए एक टाइमलाइन यहाँ पर निश्चित की गई है कि कब कौन जाके विजिट करेगा, और यहाँ पर उनका एक दायित्व भी दिया गया कि इतनी तारीख को आपको ये रिपोर्ट सबमिट करना है, तो हम उससे बच नहीं सकते। सबसे पहले यहाँ पर आप देखते होंगे कि आपके पास एक बीसी सुपरवाइजर आता होगा, जो कि एक बैंक का ही कर्मचारी होता है, जिसका जनरली काम होता है नए बीसी का अलॉटमेंट करना, उनकी साइट वेरिफिकेशन करना, बीसी और बैंक और आरओ के बीच में जो मीडिएटर का काम है वो यहाँ पर करते हैं। आपको कोई असुविधा हो रही है या आपसे जो टारगेट पूरे कराना है, ये बीसी सुपरवाइजर करता है। तो बीसी सुपरवाइजर अब ये जो काम करेगा वो मैनुअली नहीं करेगा, एक रिपोर्ट जो बनाएगा वो मोबाइल ऐप के माध्यम से बनाएगा। अब
वो आपकी दुकान पर आके क्या क्या विजिट करेगा? जब वो आपकी दुकान पर आके बैठेगा तो सबसे पहले वो आपके रजिस्टर देखेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग रजिस्टर मेंटेन ना करते हों, या रजिस्टर मेंटेन करते भी होंगे तो पता लगा ग्राहक का नाम लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, सिग्नेचर करा लिया, उसमें RRN नंबर जो कि ट्रांजेक्शन का होता है वो नोट नहीं करते। तो ये PC सुपरवाइजर वो रेंडमली आपका कोई भी एक RRN नंबर देखेगा कि आपने नोट किया है कि नहीं, और किया है तो वो सही किया है कि नहीं वो अपने ऐप में डालेगा, और अगर वो बैंक ऑफ बड़ौदा का RRN नंबर होगा तो वो शो हो जाएगा। ये चीज़ इसलिए भी की जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्राइवेट एजेंसियां चला रहे हैं और प्राइवेट एजेंसी का जो RRN नंबर है वही वहां पर अपने रजिस्टर में मेंटेन कर देते हैं। तो नॉर्मली जो BC सुपरवाइजर आता है उसको पता नहीं लग पाता कि ये जो ट्रांजेक्शन आपने लिखा है वो क्योस पोर्टल से हुआ है या फिर आपने प्राइवेट एजेंसी से किया है। तो इस तरह से वो रेंडमली चेक करेगा, अगर उसके ऐप में वो नंबर आ रहा होगा बड़ौदा का ट्रांजेक्शन होगा, बड़ौदा के पोर्टल से होगा, बड़ौदा बैंक का होगा तो वो दिख जाएगा, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर वो देखेगा कि आपकी दुकान पर डूज एंड नॉट डूज के बोर्ड लगे हैं कि नहीं लगे हैं। नॉर्मली आप जिस कंपनी से काम करते हैं वो आपको ये इसका फॉर्मेट PDF में प्रोवाइड करा देते हैं। यदि नहीं लगा है तो आप अपनी दुकान पर उसको यथा स्थान पर लगाइए ताकि ग्राहकों को पता हो कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। पुराना वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मैंने उसमें बताया था कि किस प्रकार की इनलीगल एक्टिविटी जो थी जिनको वो मॉनिटर करेगा, उसको हम दोबारा इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको मैनुअल रिसीप्ट नहीं देनी है, उनको कंप्यूटर से प्रिंटेड रिसीप्ट देनी है। तो थर्मल प्रिंटर का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आपके पास थर्मल प्रिंटर है या नहीं। ये एक अलग विषय है कि इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब से नए ब्राउज़र पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पोर्टल शिफ्ट हुआ है तो जो थर्मल प्रिंटर है वो काम नहीं करता या बहुत छोटे फॉन्ट में वो प्रिंट होता है। एक इन्होंने साउंड बॉक्स का रखा है, हालांकि मुझे जहां तक अभी तक जानकारी है कि अभी भी प्रॉपर सभी कियोस्क में साउंड की फैसिलिटी नहीं है। मतलब जब ग्राहक पैसा निकालता है, जमा करता है तो एक जैसे पेटीएम का साउंड बॉक्स बोलता है कि इतने पैसे प्राप्त हुए, ऐसे ही जब विड्रॉल होगा तो वो साउंड का एक आवाज आएगा। तो इसको फिर भी अभी आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्सिमम कियोस्क में ये फैसिलिटी अभी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर है क्लोन फिंगर, सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा को लगातार ये कंप्लेंट मिल रही है कि उसके जो अधिकारी हैं, मतलब कियोस्क अधिकारी हैं, वो अपना फिंगरप्रिंट क्लोन बनाते हैं। क्योंकि अभी तक वहाँ पर सब क्यों बनाने का ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण होता ये था कि जिसके नाम पर कियोस्क अलॉट है उसका जाली फिंगरप्रिंट आप जानते हैं किस तरह से बनता है, इसलिए मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन वो बना लेते हैं और उसके माध्यम से आपका कर्मचारी, आपके परिवार का सदस्य, आपकी वाइफ, भाई, कोई भी ट्रांजेक्शन करता रहता है। तो अब अगर ये आपकी दुकान पर पाया जाएगा तो ये तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, हालांकि मैं इसको अगले वीडियो में फिर कवर करूंगा। उसके बाद है यहाँ पर बिजनेस पैरामीटर, आपके बिजनेस पैरामीटर ये देखे जाएंगे। जैसे बैंक आपको लगातार कुछ ना कुछ टारगेट देता है, जैसे अकाउंट ओपनिंग के देता है, इतने विड्रॉल होना चाहिए, इतना डिपॉजिट होना चाहिए, FD RD होना चाहिए, सबसे बड़ा इंश्योरेंस जो कि प्रधानमंत्री वाले जो बीमे होते हैं 330 के पहले होते थे, 12 के होते थे, अब उनका रेट बढ़ चुका है। तो ये बिजनेस पैरामीटर आप कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो ये पूरी रिपोर्ट जो है वो आपका BC सुपरवाइजर बनाएगा। यदि इसमें आपके अंक कम आते हैं तो आपको बंद कर दिया जाएगा, आपको रिप्लेस करा जाएगा कोई नए BC से। पैरामीटर क्या होगा, कैसे अंक आपको मिलेंगे, जिससे पता लगेगा कि आप काम के लायक हो या नहीं हो, याद रखिएगा अगला वीडियो आपको वो जरूर देखना है। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है मंथली विजिट, आपकी यहाँ जो मंथली विजिट की जाएगी उसमें दो प्रकार का इन्होंने तरीका रखा है। सबसे पहला तो एक रखा है लिंक ब्रांच से, मतलब जिस ब्रांच से आपका क्योस जुड़ा हुआ है वहाँ का कोई ना कोई अधिकारी ये चीज़ करेगा। अच्छा, अभी तक होता ये था कि बोला जाता था कि आपको विजिट करना है, लेकिन नॉर्मली आप लोगों के व्यवहार बन जाते हैं, विश्वास भी होता है, तो ब्रांच वाले कई बार आपकी दुकान पर नहीं आए और उन्होंने एक विजिट बना के दे भी दी, और कई बार तो बिना विजिट के भी काम चलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनको हर महीने की 7 तारीख को ये रिपोर्ट अपने RO में जमा करना पड़ेगा, तो इनको आपके पास आना पड़ेगा। तो हर महीने तो आपकी ब्रांच से आना जरूरी है। और रैंडमली यहाँ पर क्या होगा कि नॉन लिंक ब्रांच, मतलब जिस ब्रांच से आप जुड़े हो उसके अलावा भी बैंक ऑफ बड़ौदा की कोई भी ब्रांच का अधिकारी भी आपके यहाँ आके विजिट करेगा। इसका कारण ये है कि नॉर्मली लिंक ब्रांच वालों से आपके संबंध बन जाते हैं, अगर कई बार होता है कि कुछ कमी बेसी आपके यहाँ है तो वो हो सकता है कि आपके से अच्छे संबंध होने के कारण निगेटिव रिपोर्ट ना बनाए, इसलिए नॉन लिंक ब्रांच वाले को जिससे कि आपका परिचय नहीं है उसको भी यहां पर भेजा जाएगा। उसके बाद जो नए BC यहां पर अलॉट होंगे उनको RO के माध्यम से पहले विजिट होगा, उसके बाद तो मंथली जो है वो लिंक ब्रांच वाले करेंगे।
10% kiosk ऐसे रहेंगे जिनका रैंडमली विजिट करना RO के लिए जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए आप रीजन ऑफिस है उसके अंदर में 100 BC आते हैं, तो उसमें से कम 10% को रैंडमली विजिट करना जरूरी है। मतलब हो सकता है आज आपका हो जाए, कल किसी और का होगा, बिना जानकारी के आपको बता के ये विजिट होगा, लेकिन RO को ये 3 महीने में करना है। बाकी ब्रांच वाले जो हैं वो आपको हर महीने यहाँ पर विजिट करेंगे। और यहाँ पर जब ब्रांच का आप जानते होंगे ऑडिट होता है, तो ब्रांच का जब ऑडिट होता है तो पहले क्या होता था, वो कई बार कियोस्क का ऑडिट करते थे, कई बार नहीं करते थे, लेकिन अब उनके लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो कियोस्क, मान लीजिए एक ब्रांच है वहाँ से 5 BC जुड़े हुए हैं, कियोस्क जुड़े हुए हैं, तो वो 5 BC का ऑडिट करेंगे। और ऑडिट में केवल आपकी दुकान जाके ये नहीं देखना कि आपने बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है, आपके पास साउंड बॉक्स है कि नहीं, ये प्रिंटर है कि नहीं, आपका प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन है या नहीं ये भी देखा जाएगा। आपके जो ट्रांजेक्शन ओडी से हो रहे हैं उतने ही ट्रांजेक्शन आपके रजिस्टर में है या नहीं है। मान लीजिए ओडी से आपका 1 लाख का ट्रांजेक्शन है और रजिस्टर में आपके 2 लाख के दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ऐप या प्राइवेट ऐप चला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर है कि जो ये रिपोर्ट जनरेट होगी हर महीने 7 तारीख को, जैसे अगर अभी चल रहा है अप्रैल, तो अगर अप्रैल में ये विजिट जब भी वो करेंगे उनके ऊपर है, लेकिन 7 तारीख तक इनको सबमिट करना जरूरी है। तो अगर इन शॉर्ट हम देखें तो ये सर्कुलर ने ये तो बता दिया कि ब्रांच मैनेजर को क्या करना है, RO ऑफिस को क्या करना है, BC सुपरवाइजर को क्या करना है। हम बात करते हैं आप लोगों की जो कि क्योस का संचालन कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे क्योस भाई संचालन कर रहे हैं, यदि उनको लग रहा है कि हमको बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे एक अच्छे बैंक, अच्छे ब्रांड के साथ आगे काम करना है, तो पहली चीज़ है कि वो अपना जो प्रेमाइसिस है, अपनी दुकान है, अपना ऑफिस है, जो कुछ भी आप उसको बोलते हो, उसको बेल सेटअप रखें, डूज नॉट डूज के बोर्ड लगा के रखें, प्रॉपर उसकी प्रिंटिंग आप करवा लें, नहीं है तो आप BC जो आपने जिस कंपनी से लिया उनसे बात करें। उसके बाद रजिस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रजिस्टर आप मेंटेन करके रखें, और रजिस्टर में जो फॉर्मेट बैंक चाह रहा है आपसे वो आप रखें। अकाउंट ओपनिंग के आप जो फॉर्म रखते हैं उसके कम से कम 2 प्रिंट निकालें, 1 प्रिंट आप अपने पास रखें, 1 ब्रांच में आप जमा कर दें, क्योंकि कई बार ब्रांच वाले बोल देते हैं कि फॉर्म गुम गया, कुछ भी बहाना बना देते हैं, तो आपके पास एक सेकेंड कॉपी होना चाहिए। कस्टमर को कहीं से भी हाथ से बनाई हुई स्लिप बिल्कुल भी मत दें, एडवांस में उनसे पैसा लेके ना रखें कि ठीक है अभी आप रख दीजिए, 15 मिनट बाद हम जमा कर देंगे, शाम को जमा कर देंगे, इस प्रकार का भी कोई काम आप यहाँ पे नहीं करें। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि मैं डिस्कस तो वैसे अगले वीडियो में करना चाह रहा था, अभी लेकिन मैं आपको डिस्कस कर ही लेता हूँ। बहुत सारे BC भाई क्या करते हैं कि अपने आसपास के ऐसे लोगों के खाते खोल देते हैं, क्योंकि ओवर चार्ज जो वो लोग करते हैं, मतलब एक कमाई आपका उससे बनता है, तो आप किसी का भी खाता खोल देते हैं, बाद में होता है कि वो खाते हैं उनसे कुछ ना कुछ फ्रॉड रिपोर्ट होता है। तो बैंक यहाँ पर ये चाह रही है कि आप किसी गलत व्यक्ति का खाता ना खोलें। तो अगर आपको कहीं से भी संदेह है कि यार ये व्यक्ति गलत एक्टिविटी में रहता है या ये बाद में इसका यूज़ गलत एक्टिविटी में कर सकता है, तो आप ऐसे लोगों के खाते ना खोलें, क्योंकि यदि आपके द्वारा खोले गए खातों में यदि 10% से ज़्यादा फ्रॉड की रिपोर्ट मिलती है, कि मान लीजिए आपने कहीं पे 1000 खाते खोले, उसमें से 100 खाते ऐसे मिल रहे हैं जिनमें फ्रॉड ट्रांजेक्शन का पैसा आ रहा है या उनमें एक्सेस पैसा आ रहा है, तो आपके BC पॉइंट को बंद करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो क्योंकि बैंक कहीं से भी नहीं चाह रहा है कि बैंक का नाम या उसके जो क्यों संचालक भाई हैं उनका नाम कहीं से भी फ्रॉड में जुड़े या वो फ्रॉड एक्टिविटी में संदिग्ध पाए जाएँ। अब आपने जैसे बोला कि 10% कैसे निकल आएगा, अब इसका 10% बहुत इजीली हो जाता है। मान लीजिए 1000 का मैंने आपको 100 बोला, बहुत सारी जगह पर ऐसी कंप्लेंट मिली हैं कि ग्रामीण परिवेश में पंच, सरपंच या सचिव के माध्यम से बहुत सारे खाते खुलवा लिए गए, और उन खातों में जो मान लीजिए मकान का पैसा आना था, शौचालय का पैसा आना था, वो उन सरपंच के द्वारा, सचिव के द्वारा गवर्न कर लिया गया, और उसमें चूँकि खाता आपने खोला, ग्राहक ने भली अंगूठा लगवा के खोला, लेकिन उसको मिसगाइड करके खोला गया, हो सकता है कि उसका विड्रॉल भी आपके माध्यम से करा लिया गया हो, तो ये सारी चीज़ों को फ्रॉड एक्टिविटी में आएगा। तो हम आशा करते हैं कि बैंक जो आपसे चाह रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे एक अच्छा बैंक है, आप इसके साथ एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो अगर आप प्रॉपर वर्क करते रहेंगे तो आपका क्योस भी अच्छे से चलता रहेगा, और आप समझ रहे हैं कि प्राइवेट एजेंसियां भी कितनी तरीके से बंद होती जा रही हैं,
अगर ये वीडियो प्राइवेट एजेंसी चलाने वाले भी देख रहे हैं तो वो भी समझ ले कि जब कियोस्क का संचालन इतना टफ होने वाला है तो आने वाले समय में प्राइवेट एजेंसियां का भी संचालन टफ जरूर से होगा। IIBF आपके लिए जरूरी हो जाएगा। डबल ऑथेंटिकेशन आपने यहाँ पर देख ही लिया है कि जिसकी आईडी है वही यहाँ पर चलाएगा, और जो आप लोग सेटलमेंट करते हो इस पे जो TDS वगैरह लग रहा है इसके लिए भी नई नई गाइडलाइन आ रही है जिनके बारे में हम आपको आगे चल के वीडियो बनाएंगे। अभी का वीडियो यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। आगे बढ़ने के पहले दो चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट में कैसे रखा जाएगा, किस प्रकार से नंबर देंगे, किस चीज़ में कितना नंबर मिलेगा, इसका वीडियो मैं आपको इस वीडियो के बाद बनाऊंगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही आप लोग जानते होंगे कि आप जो फिंगरप्रिंट यूज़ कर रहे हैं L0 डिवाइस, ये बंद होने वाली है, चाहे वो मंत्रा हो, मार्फो हो या स्टार्टेक या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो यदि आप नई L1 डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो उनकी अमेजन की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाके आप उसको परचेस कर सकते हो, या तो कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हो या प्री पेमेंट करके आप वहां पर खरीद सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंकिंग से संबंधित इसी प्रकार की विश्वसनीय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा नाम था सुशील मोदी और आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। धन्यवाद।